वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो होम सीरीज वर्कआउट की चल रही है ऑलरेडी। सो आज है डे टू, आज हम ट्रेन करने जा रहे हैं चेस्ट मसल। सो इसमें मैं आपको टॉप सिक्स, फाइव टू सिक्स एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ जो आपको घर रह के करनी है जस्ट टू डेवलप योर चेस्ट। सो इस होम वर्कआउट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस होम वर्कआउट सीरीज का बेनिफिट मिल सके। मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ, आप अपने एफर्ट्स दीजिए तो ये सीरीज ज़रूर एक सक्सेसफुल सीरीज होगा। आज हम चेस्ट मसल की बात करने जा रहे हैं। आपको ये एक्सरसाइज घर रह के करनी है, जो लोग जिम नहीं जा पा रहे इन एक्सरसाइज को करने के साथ आप अपनी फिजिक को, आप अपनी बॉडी को शेप में रख सकते हैं। तो चलिए चेस्ट वर्कआउट शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा था डे वन में भी मैंने बताया था कि कोई भी मसल ट्रेनिंग करने से पहले आपको घर पे भी प्रॉपर वार्म अप करना है। सो हम करेंगे 15 मिनट स्किपिंग, आप सिंपल रोप स्किपिंग करें, 50 रैप्स के आप 10 से 15 सेट करें। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर वन। इसमें हम करेंगे बॉडी वेट पुशअप्स। गाइज आप देख सकते हैं वीडियो में मैं डंबल के ऊपर हाथ रख के पुशअप कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पुशअप्स में डंबल के साथ नहीं कर पाते तो आप सीधे हाथ रख के भी पुशअप्स कर सकते हैं, बिल्कुल टोटली फाइन है। ये वेरिएशन है, आप जो सी चाहे कर सके। जो लोग अपने बॉडी वेट पुशअप्स नहीं कर सकते, बिगनर हैं, उनके लिए ये अल्टरनेट है। अपने नीज़ को नीचे रखें और नीज़ की सपोर्ट लेके अपने हाथ को आगे रख के आप अपनी अपर बॉडी को सिर्फ मूव करेंगे और अपने पुशअप्स लगाएंगे। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पुशअप्स नहीं लगा सकते, जिनके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर टू। वो रहेगी आपको सिंपल एक वुडन बेंच या प्लास्टिक बेंच घर में यूज़ करना है और इस पर आप फ्लैट डंबल प्रेस करेंगे। तो इसमें आप ब्रीद आउट करेंगे जब डंबल को ऊपर लेकर जाएंगे। याद रखना, जब आपका जोर लगता है तब ब्रीद आउट करते हैं एंड ब्रीद इन जब आप नीचे आएंगे। हर सेट ख़त्म करने के बाद 40 सेकंड्स का रेस्ट इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री, जिसमें आप करेंगे फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई। इसमें हम 3 सेट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ऊपर जाएंगे आपका जोर लग रहा है तब ब्रीद आउट करेंगे और जब आप डंबल फ्लाई नीचे की तरफ आ रहे हैं तब आप ब्रीद इन करेंगे। इनहेल एक्सहेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी मसल डेवलपमेंट में। सो आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट का अच्छे से ध्यान रखेंगे। गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, shredded.singh मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब थर्ड एक्सरसाइज जब हम ख़त्म करेंगे, इसके हर सेट के बीच में 30 to 35 मैक्सिमम 40 सेकंड का रेस्ट इनफ है, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं रखेंगे क्योंकि घर का वर्कआउट है, 40 मिनट में ख़त्म करना है। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज नंबर फोर, वो भी फ्लैट बेंच के ऊपर हमारी रहेगी, चेस्ट डंबल पुल ओवर। इसके भी 3 सेट करेंगे, वही सेम वुडन बेंच हम यूज़ करेंगे, कोई फैंसी बेंच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डंबल ऊपर लेकर आ रहे हैं आपका जोर लग रहा है तब आप ब्रीद आउट करेंगे और जब नीचे जा रहे हैं तब आप ब्रीद इन करेंगे। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, जब आप नीचे की तरफ जाएं मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ, जो कि है स्टैंडिंग चेस्ट डंबल फ्लाइज। इसके भी 3 सेट, 10 से 12 रैप, एक हाथ के हैं तो एक सेट में टोटल 24 रैप हो जाएंगे। ब्रीद इन करेंगे जब डंबल नीचे की तरफ आ रहा है और ब्रीद आउट करेंगे जब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते वक्त आप पूरा अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें, पूरा स्क्वीज करें। अब ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर सिक्स, लास्ट एक्सरसाइज, स्टैंडिंग इनर चेस्ट डंबल प्रेस। एक डंबल को दोनों हाथ से पकड़ के आप जब आगे की तरफ प्रेस करेंगे तब ब्रीद आउट और जब पीछे वापस जाएंगे तो ब्रीद इन। इस एक्सरसाइज में ब्रीद इन ब्रीद आउट अगर आप प्रॉपर करेंगे बहुत ज़्यादा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और इस वर्कआउट के लास्ट फिनिश होते तक आपका बॉडी चेस्ट पूरी तरह से पंप हो जाएगा। सो ये था हमारा चेस्ट वर्कआउट। ये वो एक्सरसाइज है जो आपको सिर्फ घर रह के करनी है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। कल मिलते हैं डे 3 नेक्स्ट मसल के साथ। टिल देन टेक केयर।